ये जो सर पे पल्ला ओढ़े बगल में थैला लटकाए साधारण सी महिला घूम रही है ना, इनकी बड़ी धाक है भैया बस्ती में। दिन दोपहरी शाम सवेरे ये कभी भी टपक पड़ती हैं भैया, पीछा नहीं छोड़ती हम जैसे गांव वालों का। किस बीमारी के बारे में बताती रहती हैं, क्या कहते हैं उसको बिरजो? हाँ, फाइलेरिया। अरे हाथी पांव। कहती हैं ये मच्छर के काटने से फैलती है। कहती हैं कई साल तक कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देते, इसीलिए पता नहीं लग पाता। और कह रही थी इसका इलाज भी नहीं है कोई, इसके बचाव की दवा खाने को कहती हैं। इनको ना असल में इस बीमारी ने सालों पहले जकड़ लिया था। इन्होंने भी वही गलती की, फाइलेरिया से बचाव की दवाई नहीं खाई। अब काश ये दवा उस समय खा लेती। होली समय रहा है, उठे सुबह तो हमरे पैर पर सूजन आए गए, सरमा दर्द भय, चकंधा पड़े, उल्टी भई, गलहरी में यहाँ गुलथी निकली। कुछ दिन के बाद यहाँ एक फलेरिया नेटवर्क वाले भैया आए, कहला कि हाँ माताजी ये तुम्हारे फलेरिया आए। लोगों को ये लगता है कि हमें फाइलेरिया का रोग तो है नहीं, तो हमें दवा खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कैंपेन इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझ सकें कि एक चक्र है इस कीड़े का, इस बीमारी का, और जब एक साथ सब लोग समूह में, जन समुदाय सब खाएगा, इस दवा का सेवन करेगा, तब हम इस बीमारी का उन्मूलन कर सकते। इन्होंने अब इस बीमारी के खिलाफ ऐसी जंग में हिस्सा ले लिया है कि भैया ये तभी मानेंगी जब ये सारा इलाका ये दवा बराबर से ले लेगा। वैसे भी ये दवा साल में एक ही बार तो खानी है, इनके आगे कोई बहाना काम नहीं करता। हाँ, कई कई लोग कहें हम तो न खेब, हमरे कौन यह बीमारी है, तो हम कहें अरे हमरे हमहू यह कहित रहा है कि हमरे नहीं है, हम नहीं खेबे। लेकिन जब हमरे ऊपर यह समस्या आई है तो हमरे इतना अगर जो पैर लेके तुमका घूमना है तो भाई ना खाओ और न खा लो, या काहे होए, और यह बीमारी तो जाए वाली है ही नहीं। भाई ये तो कहेंगे कि हमारी आंखें ऐसी खोली हैं इन्होंने कि अब हम भी सबसे कहते हैं फाइलेरिया यानी हाथी पांव से बचा जा सकता है, देर है तो सही समय पे दवा खाने की बस। हाँ जोड़, हमारी विनती है कि यह दवा जरूर खाओ और सबका खिलाओ, और ये फाइलेरिया बीमारी से ने मुक्त पाओ, यह बीमारी जड़ से खत्म करो। सर पे पल्ला ओढ़े बगल में थैला लटकाए ये साधारण सी महिला अगर फाइलेरिया यानी हाथी पांव के खिलाफ जंग छेड़ सकती हैं, तो आप और हम क्यों नहीं।